दोस्तों यूं तो कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन कुछ जोड़ियां इतनी अजीब होती हैं कि जिन्हें देखकर वाकई लगता है कि जब ऊपर वाला इन्हें बना रहा था तो जरूर उसका ध्यान कहीं और होगा। खैर, किसी को भी जज करने वाले हम कोई नहीं होते, क्योंकि हर किसी को अपना पार्टनर चुनने का पूरा हक है। और आज की इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे ही लोग देखने को मिलने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपको ये पूरा यकीन हो जाएगा कि प्यार सच में अंधा होता है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो को जो आपको हैरान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सोशल मीडिया और फिल्मों ने हमारा दिमाग इतना ज्यादा खराब करके रखा है कि हमें हमेशा यही समझ में आता है कि दो परफेक्ट लोग ही एक अच्छे रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन हम ये बात पूरी तरह से भूल जाते हैं कि परफेक्ट नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं होती है और इंसानों का परफेक्ट होना तो नामुमकिन सा है। हाँ, बस उनकी फोटो में इंस्टाग्राम फिल्टर न लगाओ, क्योंकि असलियत तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आप डेनमार्क में रहने वाली एमिली जेनी को देख लीजिए, जिन्हें अपने भारी वजन की वजह से कई सारी परेशानियां होती थी, लेकिन वो परेशानियां इनकी जिंदगी में तब तक ही थी जब तक ये शॉन से नहीं मिली, क्योंकि उनसे मिलने के बाद इनकी पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, ये सिलसिला शुरू होता है सन 2008 से, जब दोनों एक वीडियो गेम प्लेटफॉर्म पर मिले। शुरू शुरू में तो ये दोनों दोस्त बन गए और न जाने इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इन्हें भी नहीं पता चला। दोस्तों, शॉन को एमिली के मोटापे से कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एमिली का दिल देखा था और उसी से प्यार किया था। ये दोनों कपल एक दूसरे के साथ 9 साल के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे, जहां ये लोग समय समय पर एक दूसरे से मिलने जाते थे। उसके बाद एमिली इंग्लैंड में सेटल हो गई और फिर इन दोनों ने शादी कर ली और अब ये एक हैप्पी मैरिड कपल है। दोस्तों, अब आप मिलिए मोनिका से, जो अपने वजन के लिए फेमस थी, जिनका वजन 300 ग्राम के ऊपर था, लेकिन मोनिका को ये भी ज्यादा नहीं लगता था और वो और ज्यादा मोटी होना चाहती थी, जिसके लिए मोनिका बहुत ज्यादा कैलोरीज का फूड खाती थी, जिसे देखकर लगता है कि वाकई लोगों के सपने बहुत ही अजीब होते हैं। और खुशकिस्मती से इनके बॉयफ्रेंड सिड भी मोनिका को बहुत ज्यादा ही हेल्प करते थे, हालांकि वो इनकी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखते थे, यानी कि वो बहुत ही सिंपल तरह के इंसान थे, लेकिन फिर भी मोनिका को उनका फेट बहाने में बहुत हेल्प करते थे। और सिड का यही स्पोर्टिंग नेचर देखकर मोनिका ने उनसे शादी कर ली, जिसके बाद इन दोनों ने बेबी करने का प्लान बनाया। और जब बेबी करने का प्लान बनाया तो जाहिर सी बात है कि मोनिका का ये ओवरवेट बेबी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था। इसी वजह से मोनिका ने अपना वजन घटाना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने कैलोरीज बर्न करने के लिए कई सारी एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दिया था कि जब ये प्रेग्नेंट हुई तो मोनिका ने वेट लॉस सर्जरी भी करवाई थी, क्योंकि मोनिका को ये समझ में आ गया था इनका जो सपना है वो बेफिजूल का है, जो इनकी हेल्थ के साथ साथ इनकी फैमिली को भी अफेक्ट करेगा। जिसके बाद सन 2018 में मोनिका को एक एलिजाबेथ नाम की बेटी हुई, जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी, और उसके लिए मोनिका ने अपने आप को काफी बदल लिया। दोस्तों, अब आप ये देख चुके हैं कि ज्यादा वजन रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन हाइट का क्या? जी हाँ, हमें ये बात पता है कि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर लड़के हाइट में बड़े हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन जब हाइट लगभग दोगुनी हो तब क्या हो? क्योंकि ब्राजील के सबसे लंबे इंसान, जिनका नाम जॉलिसन है, उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जहां उनकी हाइट 237 सेंटीमीटर है, जिस वजह से इन्हें ब्राजील के सबसे लंबे इंसान की उपाधि मिली है। लेकिन अगर हम इनके लव स्टोरी की बात करें तो एक दिन इनके बर्थडे पर एक महिला ने इन्हें विश किया और भाग्य से इन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती शुरू हो गई, जिसके बाद वो दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। वैसे तो इनकी वाइफ की हाइट 152 सेंटीमीटर है, लेकिन फिर भी इन दोनों को एक दूसरे की हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब ये दोनों खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। वैसे तो जॉलिसन की कंडीशन की वजह से कभी भी उनको बेबी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इन लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में ये बेबी अडॉप्ट करेंगे और ये लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब आप मिलिए फिलिप से। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बचपन से ही काफी सारी मुसीबतें देखी हैं, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तब से इन्हें एक अजीब सी बीमारी है, जिस वजह से इन्हें अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही बैठकर गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि ये कभी चल फिर नहीं सकेंगे और इनकी बॉडी के निचले हिस्से का भी ग्रोथ उतना अच्छे से नहीं हुआ है। हालांकि शुरू में तो डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि ये ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन खुशकिस्मती से ये बच गए। और जब ये थोड़े बड़े हुए तो सभी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तय हो गया था कि ये अब इस बीमारी की वजह से मरेंगे नहीं,
जिस वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोची। और फिर सन 2016 में इन्हें इनका प्यार मिला, जहां पर इन्होंने सूजन को पहली नजर में पसंद कर लिया। हालांकि इनके लिए ये जर्नी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि फिलिप को हमेशा से ही अपनी बीमारी को लेकर डर बना रहता था, इस वजह से शायद सूजन इनको मना कर दें। लेकिन फिलिप इस मामले में काफी खुशकिस्मत निकले, क्योंकि ये प्यार की धारा दोनों तरफ ही बह रही थी। और जितना फिलिप सूजन को पसंद करते थे, उतना ही सूजन भी फिलिप को पसंद करती थी। हालांकि शुरुआत में सूजन को प्रपोज करना फिलिप के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया और फिर अंत में दोनों ने शादी कर ली। वैसे तो सूजन को बहुत से लोगों ने शादी करने के लिए मना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा ये साफ कहा कि इन्हें व्हीलचेयर में बैठा हुआ इंसान कभी दिखता ही नहीं था। वो हमेशा अपने पति को देखती हैं और खुश हो जाती हैं। फिर ये उनकी बीमारी को भूल जाती हैं और उसी के साथ ही ये फिलिप को उनके रोजमर्रा के कामों में भी काफी हेल्प करती हैं। यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट कपल की तरह ही खुशहाल जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, प्यार मोहब्बत जैसी चीजों में एज डिफरेंस उतना मैटर नहीं करता, और कई सारे लोग 8-10 साल के डिफरेंस को ज्यादा बड़ा नहीं मानते, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन तब क्या हो जब एज डिफरेंस 8-10 साल का ना होकर पूरे 32 साल का हो। हमें पता है इतना ज्यादा एज डिफरेंस सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन टॉम जिनकी उम्र लगभग 70 साल की है, वही उनकी वाइफ इनसे 32 साल छोटी है, और इन दोनों का एज डिफरेंस साफ पता चलता है। इसी वजह से जो कोई भी इन्हें देखता है वो टॉम को उनकी वाइफ यानी कि स्टेसी का पिता समझ बैठता है। लेकिन ये लोग दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपनी लाइफ में खुश हैं। दोस्तों, जहां टॉम का ये कहना है कि स्टेसी से शादी करने के बाद इनकी पूरी जिंदगी बदल गई, और स्टेसी का भी कुछ ऐसा ही कहना है, क्योंकि टॉम एक रेप्टाइल ब्रीड स्पेशलिस्ट हैं और इसी वजह से स्टेसी पहली बार इनसे मिली थी, जहां ये मुलाकात काफी फ्रेंडली थी, जिसके बाद धीरे धीरे इन दोनों ने एक दूसरे को जानना और समझना शुरू कर दिया। और फिर वक्त बीतते बीतते दोनों एक दूसरे के प्रति काफी ज्यादा आकर्षित हो गए, जहां दोनों को एक दूसरे की सोच बहुत ज्यादा पसंद थी और दोनों को जानवर भी बहुत ज्यादा पसंद थे। यही कॉमन लिंक दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया, और अब दोनों साथ में वक्त बिताते हैं, खाने पीने बाहर जाते हैं और एक परफेक्ट खुशहाल कपल की तरह रहते हैं। इनका कहना है कि इन्हें नहीं पता कि इनकी ये जर्नी कब तक रहेगी, लेकिन ये लोग अभी के मोमेंट्स को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि अब तक आप लोग देख चुके हैं कि प्यार अंधा होता है और इसे रंग रूप, उम्र, हाइट जैसी किसी भी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिल देखा जाता है कि सामने वाला आपको कितने अच्छे से ट्रीट करता है और कितने अच्छे से आपका ख्याल रखता है। लेकिन इतिहास में कई सारी ऐसी भी शादियां हुई हैं जो लोगों के दिमाग को पूरी तरह से पागल करने के लिए काफी हैं। अब जैसे कि आप एलिजाबेथ को ही देख लीजिए, जिन्होंने और किसी से नहीं बल्कि अपने डॉग से ही शादी कर ली, क्योंकि एलिजाबेथ का कहना है कि इनका डॉग इन्हें किसी भी इंसान से ज्यादा खुश रखता है और ज्यादा प्यार करता है। और आप ये बात जानकर और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि इनकी और इनके डॉग की शादी पूरे टेलीविजन के सामने हुई, जहां इन्होंने लाइव टीवी शो के दौरान अपने डॉग से शादी की थी, क्योंकि इनका स्वयंवर रचा गया था, जहां पर एक पूरा सीजन इन्होंने कई सारे लड़कों के साथ वक्त बिताया था और अपने लिए सबसे बेहतर दूल्हा ढूंढने की कोशिश की। लेकिन अंत में इन्हें कोई भी पसंद नहीं आया और उस शो में शादी तो करनी ही थी, इसलिए इन्होंने अपने डॉग से ही शादी कर ली। हालांकि एलिजाबेथ पहली ऐसी औरत नहीं है जिन्होंने अपने डॉग से शादी की है, बल्कि नॉर्दर्न आइलैंड में रहने वाली एक और महिला ने ऐसा किया है, जहां पर उन्होंने अपने डॉग से शादी करके ऑफिशियली उसे अपना पति बना लिया। अच्छा, क्या कभी आपको टीवी और फिल्म के किसी फिक्शनल कैरेक्टर से प्यार हुआ है, जहां पर आप पागलों की तरह उसे पसंद करते हो? हालांकि ये चीज बच्चों और टीनएजर्स में ज्यादा होती है, लेकिन बात तब अजीब हो जाती है जब एक यंग इंसान किसी कार्टून कैरेक्टर से प्यार कर बैठे, और वो भी इतना ज्यादा कि वो उससे शादी भी कर सकता हो। जी हाँ, जापान में गेमिंग और कार्टून वगैरह का कितना ज्यादा क्रेज है ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन ये क्रेज बड़ों तक भी सीमित है, जो शायद आपको ना पता हो, क्योंकि जापान के रहने वाले इस व्यक्ति जिनका नाम अकीको कोंडो है, और इन्हें 35 वर्ष की उम्र में एक जापानीज कार्टून कैरेक्टर मीकू से प्यार हो गया। इन्हें ये कार्टून कैरेक्टर इतना ज्यादा पसंद था कि इन्होंने उसके कई सारे डॉल अपने घर में लाकर रखे थे। उसके साथ ही इनके घर में होलोग्राम प्रोजेक्टर भी है, जिसके जरिए ये उस डॉल को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हुए देख सकते हैं। हालांकि शुरू में ये सिर्फ कार्टून कैरेक्टर को पसंद ही करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब ये और बड़े होते गए तो इन्हें इस कैरेक्टर के साथ पागलों की तरह प्यार हो गया, और फिर इन्होंने मीको के साथ ऑफिशियली शादी भी की, जहां पर इन्होंने अपनी वाइफ यानी कि मीको के लिए खुद ही ड्रेस डिजाइन करवाई और उस शादी को एक नॉर्मल शादी की ही तरह किया, जहां पर इन्होंने सभी रिचुअल्स को पूरी तरह से निभाया। दोस्तों, आपका तो पता नहीं, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि किसी कार्टून कैरेक्टर से शादी करना कहीं की समझदारी वाली बात नहीं है। बाकी आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमें पता है कि किसी कार्टून कैरेक्टर से शादी करना काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब किसी भूत से शादी करना है। जी हाँ, चौकिए मत, क्योंकि अमेंडा नाम की महिला जो कि नॉर्दर्न आइलैंड में रहती है, हमारी आज की इस वीडियो के लिए वाकई में परफेक्ट है।
दोस्तों हम आपको बता दें कि अमेंडा को शुरू से ही पायरेट्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे और इसी वजह से एक दिन अचानक से इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि एक पायरेट जो करीब 300 साल पहले ही मर गया था वो इनके बेड के जस्ट बगल में लेटा हुआ है, जिसके बाद इनकी उस पायरेट के साथ बॉन्डिंग धीरे धीरे बढ़ती गई और देखते ही देखते उसने एक दिन इन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जिसके बाद इन दोनों की शादी भी हुई। जी हाँ, अमेंडा ने एक बोट के ऊपर जाकर अपनी शादी की, जहाँ पर इन्होंने सभी रिचुअल्स को निभाते हुए अपनी शादी संपन्न की और उस शादी में इनके फ्रेंड्स फैमिली सभी लोग मौजूद थे, बस कोई गायब था तो वो दूल्हा था। लेकिन अमेंडा का कहना है कि वो उस शादी में मौजूद था जो कि किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब दोस्तों हमें किसी और का तो नहीं पता, लेकिन इस स्टोरी को सुनने के बाद सच में ऐसा लगता है कि इंसान प्यार में कुछ भी कर सकता है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।